सो हेलो गाइस, कैसा आप सब। मैं हूँ लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग। स्वागत है आपका हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टेलीपोर्टर बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में। और गाइस, ये 100% वर्किंग है, ये कोई भी क्लिक पेट या ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए गाइस, क्योंकि वीडियो का हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जैसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। सो गाइस, वीडियो इसको बनाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये दो टेलीपोर्टर जो है वो आप कहीं भी रख सकते हैं और एक से दूसरा कनेक्टेड है। जी हाँ गाइस, अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मैं उस टेलीपोर्टर में टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अभी ब्लू टेलीपोर्टर में जाऊँगा और मैं ग्रीन टेलीपोर्टर में टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। चलिए गाइस, चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और ये कोई भी गाइस, मैंने कोई भी वीडियो को कट ट्रिम नहीं किया, ये पूरा जेन्युइन तरीका है, आप देख सकते हैं। और गाइस, चलिए आप दिखाते हैं कि कैसे आप इसको बनाते हैं। सो गाइस, इसे बनाने के लिए पहले आपको ऐसे करके कोई भी सा एक कॉन्क्रीट ब्लॉक लेना है, कोई भी आप ब्लॉक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इसका कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, पहले आपको एक दो तीन और ये चार ब्लॉक ऐसे करके प्लेस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक प्लेस करना है और फिर से आपको ऐसे करके चार ब्लॉक ले जाने हैं। चार ब्लॉक ले जाने के बाद गाइस, आपको जो ग्लास पैनल है वो ऐसे करके लगा देने हैं और एक ब्लॉक आपको साइड में छोड़ देना है। और फिर गाइस, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक करके ऐसे करके लगा देना है और फिर ऐसे करके चार ब्लॉक से आपको ऊपर भी कवर कर देना है ग्लास पैनल का। तो गाइज, ये करने के बाद आपको इधर जाना है और कहीं भी आपको मतलब जहाँ पे दूसरा टेलीपोर्टर बनाना है वहाँ पे आपको चला जाना है। तो गाइज, मैं यहीं पे करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अभी और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो गाइज, फिर से आपको कोई सा भी एक ब्लॉक लेना है। आप कोई भी मतलब सेम ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जैसे आप देख सके कि मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा बोल तो फ्लैट ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइज, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है, एक दो तीन और चार, और यहाँ पे एक दो तीन और इधर एक दो तीन और चार। सो गाइस, ऐसे करके प्लेस करने के बाद फिर से आपको ग्लास पैनल जो है वो ऐसे करके प्लेस करने हैं आपको। तो मैं जल्दी से इसको प्लेस कर देता हूँ। सो गाइस, प्लेस करने के बाद आपको जल्दी जल्दी मैंने जो स्टेप बताए वो रिपीट कर देना है। तो करने के बाद गाइस, हमारे दोनों जो टेलीपोर्टर हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब गाइस, हमारा जो मेन काम आता है, अब चलिए दिखाते हैं। सो गाइज, आपको इस टेलीपोर्टर को कंप्लीट करने के लिए चाहिए कमांड ब्लॉक। अब गाइज, आप कमांड ब्लॉक कैसे लिख सकते हैं। सो गाइज, आपको कमांड के पास जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है स्लैश गिव एट द रेट पी कमांड, और ये आपको सिंबल देख के ब्लॉक्स टाइप कर देना है। सो गाइज, ये टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक कमांड ब्लॉक आ चुका है। अब गाइज, आपको दोनों टेलीपोर्टर के पास जाना है और जहाँ पे आपको टेलीपोर्ट होना है उसका कोऑर्डिनेट नोट कर लेना है। सो गाइज, मुझको यहाँ पे टेलीपोर्ट होना है इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक का मैं पहले कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ। सो गाइज, मेरा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -65, 4 और -1। सो गाइज, अब कोऑर्डिनेट नोट करने के बाद आपको दूसरा साइड में जाना है। दूसरा साइड में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड ब्लॉक प्लेस कर देना है। अब गाइज, कमांड ब्लॉक प्लेस करने के बाद आपको टाइप करना है /tp एट द रेट पी आपका, फिर जो आप कोऑर्डिनेट नोट किए थे उस साइड का, वहाँ पे आपको वही कोऑर्डिनेट नोट इधर लिख देना है -65, 4। सो गाइज, लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे इसको इम्पल्स ही रखना है और इसको नीड रेडस्टोन पे आपको कर देना है। अगर ये ऑलवेज एक्टिवेट हो तो इसको आपको नीड रेडस्टोन पे कर देना, उसके बाद कर देना आपको इसको क्लोज। सो गाइस, क्लोज करने के बाद आपको करना है क्राउच। क्राउच करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेशर प्लेट प्लेस कर देनी है। सो गाइस, प्रेशर प्लेट प्लेस करने के बाद फिर से आपको इधर का कोऑर्डिनेट आप नोट करना है, जहाँ पे आप कमांड ब्लॉक अभी प्लेस किए वहाँ का कोऑर्डिनेट आपको नोट करना है। सो गाइस, जहाँ पे आप कमांड ब्लॉक प्लेस कर रहे हो उसके एक ब्लॉक छोड़ के आपको कोऑर्डिनेट नोट करना है। तो गाइज, यहाँ का कोऑर्डिनेट है -54 और -2। तो चलिए मैं वहाँ पे भी कमांड ब्लॉक प्लेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गाइज, आपको यहाँ पे भी सेम ऐसे करके प्लेस करना है कमांड ब्लॉक और टाइप करना है /tp@p और फिर आपको कोऑर्डिनेट जो आप नोट किए वो आपको टाइप कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे करने के बाद फिर सबको करना है क्राउच और यहाँ पे कर देना है आपको ओके प्रेशर प्लेट प्लेस। सो गाइज, ये करने के बाद हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज, हम लोग को बारी है इसकी टेस्ट करने की। सो गाइज, चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और फिर से मैं इधर भी कर देता हूँ एक बार टेस्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और ऐसे करके आप एक इजी वर्किंग टेलीपोर्टर बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में, और ये आप सर्वाइवल में भी कर सकते हैं अगर आप सर्वाइवल में एक्टिवेट चीट्स ऑन करके रखते हैं और एक्टिवेट कमांड जो रहता है वो आप ऑन करके रहते हैं। सो गाइज ये आप कमांड इस कमांड ब्लॉक को ले सकते हैं सर्वाइवल में भी, और गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। मतलब आप अगर अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं मल्टीप्लेयर में तो आप इसको ऐसे अपने फ्रेंड को ऐसे करके ट्रोल कर सकते हैं, कहीं भी आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जैसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।